गुड मॉर्निंग बीकॉम थर्ड ईयर, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। तो पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द आईडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो उसके अंदर क्या था कि 165 कंट्रीज उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत 69% जो डोनेशन देती है वो G7 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का निर्माण किया गया था टू प्रोवाइड द फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जो विकासशील देश है उनके विकास के लिए फंड्स प्रोवाइड कराता है थ्रू द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन अपन ने बात की थी, IBRD, IFC एंड IDA टुगेदर फॉर्म्स द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को तीनों बनाते हैं साथ में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था अबाउट द मेंबर नेशंस, पढ़े थे अपन उसे, ठीक है, और भारत जो है वो उन 29% देशों के अंदर आता है, उन 11 देशों के अंदर आता है, 30 देशों के अंदर आता है जो कि 29% फंड्स डोनेट करते हैं टू द IDA, ठीक है। भारत ने बहुत ज़्यादा फंड्स उधार भी लिए हैं IDA से, ठीक है, टाइम टू टाइम फंड्स उधार देता रहा है IDA, ठीक है, और भारत क्या बन गया है, ब्लेंडर कंट्री बन गया है, ठीक है। ब्लेंडर कंट्री मतलब इट इज ऑन द ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर इनकम कंट्री टू मिडल इनकम कंट्री, ठीक है। तो IDA के अंदर तीन भागों में डिवाइड किया था, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, लोअर इनकम कंट्री, मिडल इनकम कंट्री एंड द अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो भारत क्या है, ट्रांजिट कर गया है फ्रॉम द लो इनकम कंट्री टू द मिडल इनकम कंट्री, ओके। सो दिस वाज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ओके। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस अपन ने पढ़ लिए, इनकी मेंबरशिप के बारे में अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब चौथा जो है अपना, ये सब अपन ने बात की थी अबाउट द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की अपन ने बात की जो कि काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द अंडर डेवलप्ड और द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो है अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज OECD, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं, इंट्रो, ओके। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इन विच देर आर 35 डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, 35 डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर मेंबरशिप रखती है। सो इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये अंतर संस्कारी सरकारी संस्थान है जिसके अंदर 35 जो डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं,
ठीक है, उनकी मेंबरशिप है इसके अंदर, ठीक है। सो ओएसीडी इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम अपॉन डेवलपमेंट, ठीक है। सो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, नीति सामंजस्य, नीति सामंजस्य एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये इन दो उद्देश्यों के लिए काम करता है ओईसी, ठीक है। अब किसकी पॉलिसी सामंजस्य, अमोंग द डेवलप्ड नेशन, ठीक है, विकसित देशों की पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के अंदर और इकोनॉमिक फ्रीडम के अंतर्गत ये ओईसीडी काम करता है, ठीक है। सो ओईसीडी वाज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कोऑपरेशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। ओईसीडी का जो विकास हुआ था वो हुआ था, ओईसीडी इज डिराइव्ड फ्रॉम ओईसीसी, ओके, ओईसीसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कॉर्पोरेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ओईसी, ओके। सो ओईसी से डिराइव हुआ ओईसीडी इन 1948, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके द्वारा ये डिराइव हुआ था 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम विद इन द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, पेरिस फ्रांस, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज इन पेरिस फ्रांस एंड इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ठीक है, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखती है कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, सच एज द यूएस कंट्रीज, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो देश हैं इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं जापान, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। 1990 में इसको एक्सपांड किया गया, इसकी मेंबरशिप को बढ़ाया गया और इंक्लूड किया गया मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन नेशन, ठीक है। जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं उनको 1990 में ऐड किया गया, मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड ब्राज़ील, ओके। इन रीसेंट ईयर इंडिया, ब्राज़ील, चाइना एंड इंडोनेशिया आल्सो मेड कंट्रीब्यूट टू द, और अभी के सालों में भारत ने, चाइना ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील ने थोड़ी अपना इंटरेस्ट जगाया है टू वर्क फॉर द एजेंडा ऑफ ओईसीडी, ठीक है। लेकिन भारत, इंडोनेशिया ये अभी भी क्या है, डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, तो इनको अभी पूरी मेंबरशिप नहीं मिल सकती क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन के पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत काम करता है, उनके इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए काम करता है, ठीक है। सो द इंडिया हैज नॉट गॉट द मेंबरशिप ऑफ ओईसीडी येट, ठीक है, बट इट इज वर्किंग फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओईसीडी, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इज द मिशन, मिशन क्या है,
मिशन ऑफ ओएसीडी इज टू प्रमोट पॉलिसीज, इस तरह की नीतियों का प्रमोशन करना दैट विल इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि जो विकसित देश हैं उनके अंदर ऐसी नीतियों को प्रमोट किया जाए, ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जाए दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, जो उन डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मदद कर सके। ठीक है, सो द मिशन इज टू प्रमोट दोज पॉलिसीज दैट हेल्प इन द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये सभी क्या है, 35 के 35 देश क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज। तो अभी तक अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े उन वो इसके उत्थान के लिए काम कर रही थी, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो मिशन क्या है, टू फॉर्मुलेट, ठीक है, ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जो कि विकसित देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पॉलिसी कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, नाउ विल कम टू द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ठीक है, मिशन क्लियर, फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलप्ड नेशन। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पस ऑफ द ओईसीडी इज टू इंप्रूव द ग्लोबल इकोनॉमी, प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, जो विश्व के अंदर व्यापार है डेवलप्ड नेशन के बीच में उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाने की कोशिश करना। ठीक है, एक तो व्यापार को बढ़ावा देना वैश्विक स्तर पर। ठीक है, और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें उसको डेवलप करने की कोशिश करना। ठीक है, सो दूसरा है टू प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर। ठीक है, और ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है ओईसीडी उन 35 नेशंस, 35 डेमोक्रेटिक नेशंस जो उसके मेंबर्स हैं उनको एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके तहत वो उन देशों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन देशों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे गरीबी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो सभी प्रॉब्लम का निवारण एक मंच पर बैठकर किया जा सकता है। सो इट इज एन आउटलेट फॉर सॉल्विंग द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इट इंक्लूड्स वर्किंग विद डेमोक्रेटिक नेशंस दैट शेयर अ कमिटमेंट टू इंप्रूविंग द इकोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। जो फर्स्ट में आपने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि काम करना चाहते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब कि जो लोगों के विकास के लिए, उनके देश के लोगों के लिए विकास के लिए और अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।